कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक बार फिर से लखनऊ में हैं और एक और रैली की तैयारी चल रही है। प्रियंका जी, गोरखपुर में रैली करने जा रहे हैं, वाराणसी में रैली सबने देखी, अब गोरखपुर की तैयारी जी कैसी रहेगी, वो रैली कौन कौन सा अच्छी रहेगी, आप देखिए आइए वहाँ, आशा तो ये है कि अच्छी रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में करनी है। मैम, जब से आपने अपनी प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है, लगातार भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि अब चुनाव का समय आया है, कोरोना में सब आइसोलेट थे, चुनाव के समय में सब बाहर निकल आए हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले दो सालों से कोरोना के समय सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा राहत का कार्य किसने किया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तो मुझे तो आप देख रहे हैं लगातार आइसोलेट तो वो हो रहे हैं जो जनता की समस्याओं को सुनेगा नहीं, जो जनता के पास जाएगा नहीं। किसानों को किस तरह से कुचला गया, क्या किया इन्होंने, किसान आंदोलन कर रहे हैं इतने महीनों से, इन्होंने सुना, सुनवाई हुई उनकी, आगरा में गई थी आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ, कौन सुन रहा है? ये लोग सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मित्रों की बात सुनते हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में। तो उनका ये कहना तो हास्य है, आइसोलेट वो हो रहे हैं, आइसोलेट वो होता है जो जनता के पास जाता नहीं है, जनता की बातों को सुनता नहीं है, जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। लगातार सामाजिक सम्मेलन कर रही है भाजपा, क्या कहेंगे उसको लेकर, अलग अलग वर्ग के लोगों को साथ में लाना उनका? चलिए आप पूछिए एक दो, फिर मैं जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो रही हूँ। सामाजिक सम्मेलनों पर मैम क्या कहेंगे, भाजपा लगातार अलग अलग वर्ग के सम्मेलन कर रही है, वो करें जो करना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ कि उनको जनता के पास जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सुना प्रियंका गांधी को, जिन्होंने साफ कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगा रही है, आइसोलेट खुद भाजपा वाले थे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो खुद लगातार जनता के बीच में थे। और अगर बात की जाए गोरखपुर की रैली को लेकर, तो उनका साफ कहना है कि गोरखपुर की रैली भी भव्य होगी और आने वाले समय में अगर बात की जाए तो जनता अपना मन कांग्रेस के लिए बना चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।